हनुमानगढ़ की बात करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को जांचने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रुकमणी रियार ने निरीक्षण किया है। उन्होंने वीएलओ से उनके अधीन आने वाले बूथों पर पंजीकृत ऐसे मतदाता जो मतदान स्थल पर नहीं पहुँच सकते हैं उनके बारे में जानकारियां ली है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर हाउस टू हाउस सर्वे के दस्तावेजों को जांचा है। जिला कलेक्टर रुकमणी रियार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि जिला प्रशासन की ओर से भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके लिए आज बूथ के निरीक्षण किए जा रहे हैं। बीएलओ से मुलाकात की जा रही है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर बूथ पे एएमएफ की सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों और जब भी मतदान हो तो किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हमारे यहाँ पे 100% एएमएफ की सुविधा उपलब्ध है। हर जगह रैम्प्स, पानी और शौचालय की जो सुविधाएँ हैं वो हैं और जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन है उसके तहत काम किया जा रहा है।